जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों रात के 2 बजे हुए हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लेजन कंडेंसेशन। तो आइए जानते हैं क्या होती है क्लेजन कंडेंसेशन। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक फॉर्म है ये, उसी का एक रूप है ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों क्लेजन कंडेंसेशन में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है जो इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इज यूज टू फॉर्म अ कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन टू सेम एस्टर मॉलिक्यूल्स टू यील्ड बीटा कीटो एस्टर। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर दो सिमिलर एस्टर के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के उनको जोड़ा जाता है और दोनों एस्टर आपस में जुड़ के देते हैं बीटा कीटो एस्टर। नोट, बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे सब्सट्रेट लेंगे, एस्टर लेंगे, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए और दोनों एस्टर में कम से कम एक अल्फा एच एटम होना ही चाहिए। कुछ ऐसी ही सिमिलरिटी हमने बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में भी देखी थी। इन क्लेजन कंडेंसेशन अल्फा एच कंटेनिंग एस्टर्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस बीटा कीटो एस्टर्स आर ऑब्टेन्ड। बच्चों क्लेजन कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर को हम लोग बेस की प्रेजेंस में गर्म करते हैं जिससे वो दोनों एस्टर आपस में जुड़ के देते हैं बीटा कीटो एस्टर। आइए इसको एक रिएक्शन से क्लियर कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो एस्टर लिए हैं और दोनों एस्टर में ये वाला जो कार्बन होता है बच्चों, ये हमारा अल्फा कार्बन है और इसके पास 3 H है। आपको ध्यान रखना है कि जो आप एस्टर ले रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए और उनमें कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं इस एस्टर के अंदर 3 अल्फा एच एटम है। जब इसको बेस की प्रेजेंस में हमने यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड लिया है, काफी कॉमन बेस होता है, बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो दोनों एस्टर आपस में जुड़ जाते। देखिए यहां पे कार्बन कार्बन के बीच ये बॉन्ड बना हुआ है और यहां पर ये कहलाता है बीटा कीटो एस्टर। तो दोनों एस्टर कंबाइन हो जाते हैं क्लेजन कंडेंसेशन में बेस की प्रेजेंस में और बनता है हमारा बीटा कीटो एस्टर। अब मैकेनिज्म से ये क्लियर कर लेते हैं कि बीटा कीटो एस्टर कैसे बना या दोनों एस्टर आपस में कैसे कंबाइन हुए, कैसे बना उनके बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड। और आप जानते हैं कि ये क्लियर होगा मैकेनिज्म से, तो आइए डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन 3 स्टेप में पूरी होती है, तो आइए देखते हैं स्टेप 1 इज डी प्रोटोनेशन ऑफ एस्टर बाय बेस टू गिव इनोलेट आयन। बच्चों पहले स्टेप में हमारे एस्टर का डी प्रोटोनेशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनोलेट आयन में। आइए जानते हैं कैसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा एच कंटेनिंग एस्टर हमने लिया हुआ है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, हीट करते हैं तो बेस को आप जानते हैं बेस को प्रोटॉन पसंद है। तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ ऐसे रिएक्शन होता है, यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनल ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर लिंकेज लगा हुआ है, जिसकी वजह से हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और कार्बन और एच के सिग्मा बॉन्ड कार्बन पे चले जाएंगे और यहाँ से एच प्लस डिपार्ट होगा। जैसे ही यहाँ से एच प्लस निकलेगा उसको तुरंत यहाँ से ये बेस उसको निकालने में हेल्प करता है और बेस जो हमारा इथोक्साइड एनायन था वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और बाहर निकल जाता है। तो यहां से देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। ये हमारा बन गया है कार्बन आयन, लेकिन बाजू में आप देख रहे हैं कि एस्टर लिंकेज लगा हुआ है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन में आ जाती है और यहां पे कॉन्जुगेशन होने की वजह से कार्बन आयन कन्वर्ट हो जाता है इनोलेट आयन में। क्लियर हुआ? तो पहले स्टेप में बेस अल्फा एच एटम को बाहर निकाल के इनोलेट आयन बनाता है। स्टेप 2 अटैक ऑफ इनोलेट एनायन टू कार्बोनल कार्बन। बच्चों आपने एस्टर के दोनों सेम मॉलिक्यूल लिए थे तो ये एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है, यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल से हमको मिल गया इनोलेट आयन और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनल कार्बन पे अटैक करेगा आपका इनोलेट आयन और बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच। देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट करेगा जिससे यहाँ पे कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। सेम टाइम यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऐसे यहाँ से इस वाले कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से
कार्बोनल कार्बन पे कुछ ऐसे बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ये कार्बन इसके साथ कंबाइन होगा, ओ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ओ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड सिंगल होगा और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसे। देखिए सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री यहाँ पे कंबाइन हो चुका है, ये ओ माइनस, तो ये बन गया है हमारा एल्कोक्साइड आयन। तो बच्चों दूसरे स्टेप में हमारा इनोलेट आयन एस्टर के कार्बोनल कार्बन पे अटैक करता है जिससे हमको मिलता है एल्कोक्साइड आयन। स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की ओर आएगी और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और सेम टाइम यहाँ से ये एल्कोक्सी यानी मिथोक्सी एनायन बाहर निकलेगा कुछ ऐसे। क्या ये क्लियर है आपको? ये देखिए ये बाहर निकल गया है और देखिए क्या बचा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी ओ ओ सी एच थ्री। क्लियर हुआ आपको? यहां पर ये देखिए बीटा कीटो एस्टर आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ है, दोनों एस्टर आपस में जुड़ चुके हैं कार्बन कार्बन। बच्चों यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कहाँ बना है कार्बन कार्बन बॉन्ड? तो देखिए बीटा और अल्फा कार्बन के बीच में जो आप बॉन्ड देख रहे हैं ये ही है वो कनेक्टिंग बॉन्ड जिसकी वजह से दोनों एस्टर आपस में जुड़े हैं बीटा कीटो एस्टर बनाने के लिए। सो बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। जिनको एल्डोल रिएक्शन आती है उनको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी और जो पहली बार देख रहे हैं वो भी परेशान ना हो, एक बार अच्छे से पॉज करें देखें क्लियर हो जाएगी। तीन स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले स्टेप में बनता है न्यूक्लियोफाइल इनोलेट आयन, दूसरे स्टेप में बनता है हमारा एल्कोक्साइड एनायन और तीसरे स्टेप में एलिमिनेशन हो जाता है एल्कोक्साइड आयन का जिससे फाइनली मिलता है बीटा कीटो एस्टर। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। और बच्चों अब हम लोग लेते हैं हुबेन हॉस रिएक्शन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं किसने क्या बनाया था। ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल लिया हुआ है जिसका कॉमन नेम होता है फ्लोरोग्लुसिनोल। ध्यान रखिएगा ये हमारी हुबेन हॉस रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ पे नाइट्राइल से हमें मिलेगा इमीनियम इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट में उस साइट पर जहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो आप देख पा रहे हैं तीनों फिनोल जो है, तीनों जो OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, बेंजीन के अंदर प्लस R इफेक्ट शो करेंगे जिस की वजह से बेंजीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी ऑर्थो पोजीशन पे। तो आप यहां पर या यहां पर या यहां पर तीनों साइड जो है इक्वल हैं और तीनों में कहीं पर भी आप एसाइलेशन कर सकते हैं। तो हमने यहां पर एसाइलेशन किया है पर्पल इंक से दिखाया हुआ है, तो हमारा कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो गया है 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन में। क्या ये आपको क्लियर है? अगली जो प्रॉब्लम थी हमारी वो फिनोल के साथ थी, तो जो फिनोल के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है इसको ध्यान रखिएगा कि फिनोल उतना एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन कर सके। इसके लिए बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग या ज्यादा एक्टिवेट होना पड़ता है, इसीलिए ये सिलेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड में ही होती है, हर एक में नहीं होती है। बच्चों यहां पे हमने डाइमिथाइल पायरोल के अंदर रिएक्शन कराया, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सेकंड पोजीशन पे एसाइल ग्रुप आ चुका है और ये कन्वर्ट हो गया है 2-acetyl-3,5 डाइमिथाइल पायरोल के अंदर। तो बच्चों अब लेंगे लास्ट प्रॉब्लम, इसमें देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो नाइट्राइल लिया है वो एक बल्कियर एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया है। क्लियर है आपको? तो यहाँ से बनेगा आपका इमीनियम इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखिएगा, और यहीं से लिंकेज होगा। सर कहाँ लिंकेज होगा? तो आप देखिए इस आपके सबस्ट्रेट के अंदर दो हाइड्रोक्सी लगे हैं, इस हाइड्रोक्सी के लिए ये वाली ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो एक्टिव होगी और यहाँ पे इस ऑर्थो के लिए ये वाली और ये वाली। तो बच्चों आप यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे किया हुआ है एसाइलेशन। क्लियर हुआ? और एसाइलेशन होने के बाद आपका यहाँ से लिंकेज होगा यहाँ पे और आपका डेरिवेटिव, आपका एसाइल डेरिवेटिव कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा होबेन हॉस रिएक्शन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।